एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है और कहती है, सोना बाबू आज मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, वो 3 दिन के लिए पार्टी में शादी में गए हुए हैं और आप फौरन घर पर आ जाओ। हम लोग आज ज़िंदगी का फुल एंजॉय करेंगे और ज़िंदगी खुलकर जिएंगे। आज तक जो हमने एक दूसरे से प्यार किया है वो डर के साए में किया है, झाड़ियों में जंगलों में वो मज़ा नहीं आता जो घर के अंदर रूम के अंदर आता है, बेड पर आता है। और आप आ जाओ, हम कुछ अलग तरीके से प्यार करेंगे जिसका हमें सपना था और हमने सोच रखा था। उसका बॉयफ्रेंड बैग उठाकर उसके घर पर पहुंच जाता है और फिर उससे वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हम कुछ अलग तरीके से प्यार करेंगे। फिर वो एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर लाती है और उस पर अपने बॉयफ्रेंड को नग्न हालत में बिठा देती है। जब उसका बॉयफ्रेंड कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो रस्सी लेकर आती है और उसके हाथों को बांध देती है और वो खुशी खुशी बनवा रहा होता है और फिर उसके पैरों को बांध देती है, वो खुशी खुशी बनवा रहा होता है और फिर उसके मुंह से एक कपड़ा बांध देती है और कहती है, आज मैं कुछ फिल्मी अंदाज में तुमसे प्यार करने वाली हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसे भी मज़ा आ रहा होता है, उसने सोचा भी नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ में आखिर क्या करने वाली है। और उसे वो कुर्सी से बांध कर, मुंह से कपड़ा बांध कर उसके नीचे बैठ जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट से खेलती रहती है। फिर इसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाती है, वो सब करती है जिसकी उसने उससे कहा था। यहाँ तक तो ठीक था, दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन आगे की उसे उम्मीद नहीं थी, उसने वो किया। फिर वो अपने सहेलियों को फ़ोन करती है और कहती है, आज मैं तुम्हें बहुत भारी पार्टी दे रही हूँ और उस पार्टी के अंदर मैं तुम्हें वो चीज़ दूँगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी, आ जाओ। और वो अपनी सहेलियों को बुलाकर बारी बारी उसके साथ में रेप करवाती है और उसकी सहेलियाँ बारी बारी उसके साथ में कई घंटे तक दरिंदगी और हैवानियत करती रहती हैं। तो दोस्तों, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलते हैं विस्तार से वीडियो में। आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, इस लड़के के साथ में क्या दुश्मनी रही थी, आखिर क्या गलती थी उसकी बॉयफ्रेंड की जो वो लड़की ऐसा करने पर मजबूर रही। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपके बात समझ में नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली नोएडा की, जहाँ पर एक पार्टी होती है और जश्न मनाया जा रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त पार्टी होती है। वहाँ पर एक लड़की पार्टी में जब पहुँचती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। वो लड़का भी उसको देख रहा था, घूर रहा था, वो लड़की भी उसे घूर रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच खाना शुरू हो जाता है और खाने में वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लड़का लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, लड़की बताती है मैं यहीं पर नोएडा में रहती हूँ। लड़की पूछती है आप कहाँ से हो, लड़का बताता है मैं भी नोएडा से ही हूँ। और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बात बहुत देर होती है और बातचीत होते होते दोनों की बातचीत एक दूसरे से प्यार में बदल जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं, फ़ोन नंबर लेकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पार्टी ख़त्म हो जाती है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और उनकी बातचीत बनी रहती है। फिर एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, कभी जंगल में, कभी झाड़ियों में, कभी पार्क में। दोनों आज दिन एक दूसरे को डेट देते हैं और डेट के मुताबिक जगह जगह पर मुलाकात करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। उन दोनों की मोहब्बत को 3 साल हो चुके थे, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। लड़की लड़के से बेइंतहा प्यार करने लगती है, लेकिन लड़का लड़की से टाइम पास कर रहा होता है, उसके जिस्म से, उसके शारीरिक से खेल रहा होता है। उसके दिल के अंदर उसके प्रति ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि लड़के के पास और भी गर्लफ्रेंड थी, और भी लड़कियां थीं। इस बात की खबर उस लड़की को नहीं थी
कि लड़के के पास और भी गर्लफ्रेंड ने, लड़की बस यही समझती थी कि ये लड़का मुझसे ही प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता। उसे बेहनता चाहने लगती है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखने लगती है। इसी बीच एक बार वो किसी गार्डन में जाती है उससे मुलाकात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। लेकिन वो उस गार्डन में कुछ देर पहले पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड को भी लेकर जाती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से तुमको मिलवाऊंगी। वो लड़का उस गार्डन में उसे बैठा हुआ मिलता है एक लड़की के साथ में, और उससे चुम्मा चाटी एक पेड़ के नीचे कर रहा होता है। ये देख वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अब जीने का मकसद नहीं है। और वो फौरन अपनी फ्रेंडों को लेकर वहाँ से वापस आ जाती है। उसकी सहेलियाँ कहती हैं, आखिर क्या हुआ, वापस क्यों जा रही है, तू तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए यहाँ पर लाई थी। लेकिन वो उनको कोई भी जवाब नहीं देती है और वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी। और वो घर पर आ जाती है, अपने बेड पर पट होकर लेट जाती है और रोती रहती है। उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और उसका दिमाग एक प्लानिंग रच रहा था। इसी तरीके से दो दिन गुजर जाते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बताती कि मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं कि तुम किसी और से भी प्यार करते हो। और उसे दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन गुजर जाते हैं रोते रोते, और फिर वो इसी तरीके से रोती रहती है। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मामा के लड़के की शादी में जा रहे हैं। लड़की कहती है अपने माँ बाप से, पापा मैं शादी को अटेंड नहीं कर पाऊँगी, आप लोग अकेले चले जाओ, प्लीज़ मुझे तनहा छोड़ दो। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बेटा क्या बात है, बेटा क्या बात है, कुछ दिन से आप खामोश खामोश रह रही हो, अकेले अकेले रह रही हो, आखिर वजह क्या है। लेकिन वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताती है। उसके माँ बाप उसे छोड़ कर उसके मामा के लड़के की शादी में चले जाते हैं। इसी बीच उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो सोचती है घर अकेला है, क्यों ना आज मैं अपना बदला ले लूं। और वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है, जानू घर पर कोई नहीं है, तीन दिन के लिए मेरे मम्मी डैडी मामा के लड़के की शादी में गए हैं, आप फौरन घर पर आ जाओ, हम लोग कुछ अलग तरीके से इंजॉय करने वाले हैं, जैसे फिल्मों में देखते हैं। लड़का खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो बहुत ही ज़्यादा हौका था लड़कियों का, और वो फौरन बाइक लेके उसके घर पर पहुंच जाता है। अब वो उसे अपने घर पर अंदर ले जाती है और एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी पर बैठाती है, कहती है जानू आज हम फिल्मों में जो दिखाते हैं कुछ इस तरीके से नए अंदाज में सेक्स करेंगे, प्यार करेंगे। और वो उसे लकड़ी की कुर्सी पर बैठाकर नगन हालत में रस्सी से उसके हाथ को बांध देती है और उसके पैरों को भी बांध देती है, और फिर उसके कुर्सी के नीचे बैठकर उसके प्राइवेट पार्ट से खेलती है और फिर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। लड़का कहता है बस करो, अब मुझसे नहीं होता, आपको बहुत देर हो गई है। फिर वो लड़के के गालों पर चाटे मारती है और उसे एक पतली सी लकड़ी से पीटती है। लड़का बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। फिर वो उसे पूरी बात बताती है कि तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, विश्वासघात किया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था। लड़का उससे गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है और कहती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। और वो कहती है आज मैं तुम्हारे सेक्स का सारा हौका मिटा दूंगी, तुम्हारा सारा भूत उतार दूंगी, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा हवस भरी हुई है, आग भरी हुई है, उस सब आग को आज मैं ठंडा करके ही यहाँ से तुम्हें भेजूंगी, और तुम्हें नई नई लड़कियों से सेक्स करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, आज मैं तुम्हारा शौक़ पूरा करूंगी। और वो अपनी पांच फ्रेंडों को फ़ोन लगाती है और कहती है आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, आकर फौरन मेरे घर पर आओ और पार्टी का इंजॉय लो। उसकी सहेलियाँ उसके घर पर पहुँचती हैं और फिर जब वो उस लड़के को बंधा हुआ देखती हैं तो वो भौंचक्का रह जाती हैं और उससे कहती हैं आखिर ये क्या मामला है। लड़की कहती है कि आप लोगों के लिए मैंने गिफ्ट रखा है, आप जैसे चाहो इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाओ। लड़कियां खुश हो जाती हैं और कहती हैं यार कोई बात तो नहीं होगी, तो वो कहती है बात क्या होगी, इसने मुझे कई साल तक यूज़ किया है और मेरे अलावा और लड़कियों को भी ये डेट पर घुमा रहा है, ये धोखेबाज है, इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। वो पाँचों लड़कियाँ भी
प्यार में धोखा खाई हुई थी और ऐसे लड़कों से खिसियाई हुई थी। वो समझ जाती हैं पूरी कहानी क्या उन्हें अब करना क्या है, और वो लड़कियां बारी बारी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं, उसके साथ में दरंद भी करती हैं। लड़का चीखता है, चिल्लाता है, जब वो किसी काम का नहीं रहता, वो सेक्स के लिए तैयार नहीं हो पाता है, तो वो लड़कियां उसको इंजेक्शन लगाती हैं, कुछ टैबलेट गोलियां पानी से उसके मुंह में उतार देती हैं, जिसके बाद उसके अंदर कुछ जान पड़ जाती है। फिर वो लड़कियां बारी बारी एक दूसरे से सेक्स करती हैं। इस तरीके से उसे 3 दिन तक रूम के अंदर रखा जाता है, और वो लड़कियां उसकी सहेलियां आती हैं जाती हैं। इस तरीके से 3 दिन तक उसके साथ में सेक्स किया जाता है। 3 दिन के बाद उसकी हालत बस से बदतर हो गई थी, उसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, उसका सारा भूत उतर चुका था, उस सारी आग ठंडी हो चुकी थी, और वो कान पकड़ के गिड़गिड़ा रहा था कि आज के बाद मैं किसी लड़की के साथ में धोखा नहीं करूँगा। और फिर वो लड़कियाँ उसे वार्निंग देकर छोड़ देती हैं, वहाँ से जाना देती हैं। लड़का घर पर जाता है और शर्म की वजह से किसी से भी नहीं कहता, क्योंकि उसने भी और लड़कियों के साथ में उनके जिस्म से खेला था, उनकी भावनाओं से खेला था और उनकी मान मर्यादा से खेला था। 3 दिन बाद जब लड़का अपने घर पर पहुंचता है, तो उसके माँ बाप पूछते हैं कि आखिर तू कहाँ गया था, बताकर भी नहीं गया, और तेरी ये इतनी बुरी हालत किसने की है, आखिर तू कहाँ पर था। लड़का सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था। उसके माँ बाप उससे पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताता। जब उसके माँ बाप ने देखा उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है और उसके शरीर पर काफ़ी निशान है, तो उससे उसके माँ बाप ने कसम देकर पूछा, तो वो अपने साथ में जो हुई दरिंदगी पूरी हैवानियत बताता है। तो उसके माँ बाप पुलिस के पास उसे लेकर पहुँचते हैं और थाने में FIR दर्ज कराते हैं, और उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उन लड़कियों से पूछा जाता है, तो उस लड़की ने कहा पुलिस वालों से कि इसने मेरे साथ में 3 साल तक मेरे शरीर से खेला और मुझे गुमराह किया, प्यार के जाल में फंसा कर अपनी हवस का शिकार बनाया, और उसके साथ में और उसके बाद मुझे धोखा दिया, और लड़कियों से भी इसके शारीरिक संबंध हैं, और लड़कियों को भी इसने प्यार के जाल में फंसा रखा है। पुलिस वाले उस लड़के से पूछते हैं, और कितनी लड़कियाँ हैं और तुमने कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। उसने बताया, लगभग 24 लड़कियां हैं जिन्हें मैंने अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है। पुलिस वाले उसके मोबाइल को चेक करते हैं, तो उसके मोबाइल में उसके गर्लफ्रेंडों की सारे संबंध बनाने वाली कुछ वीडियो भी मिलती हैं, और कई लड़कियों के फ़ोटो मिलते हैं, और कई लड़कियों से व्हाट्सअप मोबाइल पर चैट चल रही होती है। पुलिस वाले कहते हैं, जो तुम्हारे लड़के के साथ में हुआ है वो सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था, आखिर गलती तुम्हारे लड़के की है कि इस तरीके से लड़कियों को यूज़ कर रहा है, लड़कियों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, संगीन धाराओं के तहत उस लड़के को जेल में डाल दिया जाता है, और लड़की को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है कि आखिर सावधान रहें, सतर्क रहें, और उन चारों लड़कियों को भी वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो लड़कियाँ थीं, उनकी इज्जत का सवाल था। वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं कि उन लड़कियों ने उस लड़के के साथ में सही किया कि उनके साथ में ऐसा ही करना चाहिए था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने आपको इस वीडियो में किसी का नाम उजागर नहीं किया है, क्योंकि हमें अनुमति नहीं है उन लड़कियों का नाम खोलने की या उस लड़के का नाम खोलने की।